बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में. मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद. हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर हमारी रेगुलर एक्टिविटीज, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल हर जगह करते हैं. पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि इस दिमाग की, इस ब्रेन की फंक्शनैलिटी को समझने की जरूरत है क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं. लास्ट कॉन्वर्सेशन में हमने सुनील मिगलानी से जब बात की कि क्यों हम स्टॉक मार्केट में अपना ध्यान खो देते हैं, क्यों एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के वक्त हमारा ध्यान खिंच जाता है, बट जाता है, क्या किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में. चलिए इसी कड़ी में कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं. सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आई एम वेरी श्योर पिछले एपिसोड को देखकर बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए होंगे और अब उन्हें समाधान जरूर चाहिए होगा कि ब्रेन की लिमिटेशंस तो हम उन्हें बता रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अब वो अपने आप को प्लेस भी कर लेते हैं कि उनसे रोज हो रहा है, उनसे रोज एक स्टॉक को ट्रैक करते हुए ध्यान हट जाता है. ये ध्यान क्यों हटता है? सबसे पहली बात, क्यों स्टॉक मार्केट हमारा ध्यान हटा देती है? देखिए, सबसे पहले कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है. आपको ये समझना है, जैसे हमने पहले भी बात किया है, आपको ये समझना है कि ये पार्ट है पूरी गेम का. हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसकी फंक्शनैलिटी का आइडिया होना चाहिए. जी. दूसरी बात, स्टॉक मार्केट हमारा ध्यान क्यों हटाती है? कोई भी आदमी जो आपके साथ काम कर रहा है वो आपका ध्यान क्यों हटाना चाहेगा? ताकि आप इजीली पैसा ना कमाएं. देखिए, हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, कोई चैरिटी नहीं खुला हुआ है यहाँ पे. मार्केट आपको टेस्ट करती है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है, आपकी समझ टेस्ट करती है, आपकी हर चीज़ टेस्ट करती है. अगर आप में सब कुछ ठीक है तो आपको पैसा बनेगा. जी बिल्कुल. फोकस की जहां तक बात है तो हमारे ब्रेन की लिमिटेशन है, हमने पहले बात किया है. और इन लिमिटेशंस को स्टॉक मार्केट ही नहीं, हर एरिया में यूज किया जाता है. देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर आप जाइए, एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन को अगर आपको मालूम है तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की कि आपका जो ओपोनेंट है, जो सामने खेल रहा है, उसका ध्यान भटकाइए या फिर उसकी वीकनेस को पढ़िए, कहां वो कमजोर पड़ता है. बिल्कुल, उसका ध्यान भटकाइए आप. वो खेलते खेलते अगर अच्छा खेलना शुरू कर गया है तो कुछ ऐसा कीजिए कि उसका ध्यान हटे. जी. आप मैच में, क्रिकेट में देखिए, एक बैट्समैन जमा होता है, 50 रन बना दिए, 60 रन बना दिए, 100 रन बना दिए, तो जो दूसरी टीम है वो कैप्टन आपस में क्या बात करते हैं कि इसका ध्यान हटाओ. जी. बाउंसर बॉल्स फेंको, बॉडी लेंथ बॉल फेंको, शॉर्ट लेंथ बॉल फेंको, इसका ध्यान भटकाओ. राइट. ताकि इसका फोकस हटे और एक गलती करे और आउट हो जाए. या फिर फील्डिंग स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए ताकि उसपे प्रेशर बिल्ट हो. हाँ बिल्कुल, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं एक्चुअली. जी. फोकस हटाना. राइट. मार्केट भी यही काम करती है. राइट. मार्केट बिल्कुल यही काम करती है और ये कोई इनलीगल चीज नहीं है. क्यों? बिल्कुल. लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कोई इंटेंशनली आपसे ग्रजेस निकाल रहा है या आपसे बदला निकाल रहा है. इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा तो कमाया जा ही नहीं सकता, तो इसीलिए आपकी जहां वीकनेस पड़ती है उसी का फायदा उठाते हैं मार्केट के स्मार्ट पार्टिसिपेंट. बिल्कुल. और जो फोकस वाली बात है, जैसे हमने बात किया, हर एरिया में जहां पर भी आप जाएंगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो आपको अपना फोकस बनाए रखना होता है. सामने वाला ये चाहेगा जिसके साथ आपका कंपटीशन है कि आपका ध्यान हटे. जी बिल्कुल. आपका ध्यान हटेगा तो आप कोई गलती करेंगे. राइट. मार्केट भी यही करती है एक्चुअली. और मार्केट का ध्यान हटाने का तरीका क्या है? मार्केट का ध्यान हटाने का तरीका है वॉलेटाइलिटी. राइट. जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, आप देखते हैं मार्केट के स्मार्ट पार्टिसिपेंट भी काम नहीं कर पाते. उनको एक्चुअली समझ नहीं. आज आप एक स्टॉक लेने के लिए बैठे हैं, अब मैं सोच रहा हूं मार्केट तेज होगी, मैं सोच रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगी, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ और मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ फोकस करके अपना पूरा, और मैं देखता हूँ मार्केट एक दिन में 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट ऊपर, फिर 100 पॉइंट नीचे, समझ नहीं पाता खरीदूं या फिर 100 पॉइंट ऊपर, फिर 100 पॉइंट नीचे. अब क्या हुआ है उस स्टेज में, मेरा फोकस जो था मार्केट ने हिला दिया. जी. अब मार्केट अगर नीचे भी गिरनी शुरू करती है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरेगी तो भी मैं पोजीशन ले नहीं पाता. हाँ. क्योंकि मुझे लगता है शायद अभी ऊपर आ जाए. राइट. तो ये होता है फोकस हटाने का. वेरी गुड एग्जांपल. इनफैक्ट सुनील, यही समझाने की अपने व्यूवर्स को कोशिश करें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपका जो ध्यान जहां केंद्रित होना चाहिए, वो किस तरह से भटका दिया जाता है. ये रोजमर्रा की छोटी छोटी एग्जांपल्स है, रोज इस तरह से होती है. यानी ये वॉलेटिलिटी इस तरह से रोज आपके सामने हुआ करेगी और आपको इससे समाधान इसका ढूंढना. बिल्कुल. अब टेनिस के मैच के अंदर एक प्लेयर थी पीछे, उनकी आदत क्या थी, वो जब भी शॉट मारते थे तो जोर से आवाज करते थे. बहुत बार लोगों ने अपोज भी किया कि क्योंकि उनकी जो जोर से आवाज होती थी उससे सामने वाले का ध्यान भटकता था. राइट.
देखिए, अब ध्यान भटकना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप किसी पे केस कर सकते हैं। कोई एक छोटी चीज हो सकती है जिससे आपके ध्यान भटक कोई भी छोटी सी, लेकिन सामने वाला उस चीज को यूज करता है, सामने वाला उस चीज को यूज करता है आपका ध्यान हटाने में, ताकि आप कोई गलती करें। अब एक शॉट मारते समय अगर कोई जोर से आवाज करता है तो आपका ध्यान बॉल के ऊपर नहीं रह पाता, आपका ध्यान एकदम से हटता है वहां से। यही हमने बोला ना पीछे भी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हमारे दिमाग की लिमिटेशंस है। तो हमें अगर अपने दिमाग की लिमिटेशन पता होंगी जी। और हमने बहुत डिटेल में बात किया पीछे कि हमारे दिमाग की ये लिमिटेशन है कि हम एक ही जगह पे फोकस रख सकते हैं। हम बात कर जैसे ही हमारा ध्यान हटा वैसे ही हमारा जो अभी हमारे हाथ में काम है वो हम नहीं कर पाएंगे उतनी एफिशिएंसी से जितनी एफिशिएंसी से हम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने। हम अगर एक साथ चाहें कि हम न्यूज़पेपर भी पढ़ लें और उसी समय पे एफएम भी सुन लें तो हम दो चीजें नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान या तो एफएम पे जाएगा और हम जो पढ़ रहे होंगे वहां से हटा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग का दूसरा फंक्शन एक ये भी है जो आपने बोला जी, हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। भले ही लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, वर्सेटिलिटी होनी चाहिए, लेकिन माइंड की लिमिटेशन है। आप एक साथ एक टाइम पे बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। दिमाग उस काम को करने के लिए तैयार रहता है जो हमारे विचारों या कल्पना से संचालित होती है। जादूगर जिनकी कला को हम हाथ की सफाई कहते हैं, दिमाग की गतिविधियों को समझ कर हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि हम एक ही समय पर अलग अलग चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। लेट्स पे अटेंशन नाउ। एक्शन। जब हमारा पूरा फोकस चंद नोटों पर लगा था तो हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैजिशियन के पीछे का स्टैच्यू, पोस्टर्स, इनफैक्ट पूरा बैकग्राउंड ही बदल गया। इंडीड, मैजिशियन गॉट अ न्यू हैट आल्सो। और हम ध्यान ही नहीं दे पाए क्योंकि इंसानी दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आप बहुत सारी चीजों पे नहीं, आप दो चीजों पे भी फोकस नहीं। एग्जैक्टली, बहुत सारी तो बात की बात, बहुत बात की बात है। आप दो चीजों पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका एकदम फोन आ गया तो आपका वहां से ध्यान हट जाएगा। आप कुछ रीड कर रहे हैं मान लीजिए और फोन आ गया, फोन पे बात करते करते आप रीड भी नहीं कर सकते। इतना छोटा सा काम हम नहीं कर सकते और हमें लगता है हम सारी दुनिया के काम कर रहे हैं। या फिर हम फोन पे बात कर रहे हैं और सडनली हमारे SMS आता है, कोई टेक्स्ट पढ़ने लग जाते हैं फोन पे, तो हमारे टेक्स्ट पे ध्यान चला जाएगा, फोन पे बात फोन से हट जाएंगे। देखिए, गाड़ी चलाते वक्त जैसे भी गाड़ी चलाने वक्त गवर्नमेंट का भी लॉ है कि आप फोन पे बात नहीं कर सकते। तो अब क्यों है वो लॉजिकल है, उसके पीछे क्यों बनाया गया, उसका रीजन है, साइंटिफिकल रीजन है कि अगर जब आप फोन पे बात करते हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी अटेंशन की जरूरत है आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। राइट, क्योंकि हम यहाँ पर ये सिचुएशंस इसलिए रख रहे हैं अपने व्यूवर्स के सामने ताकि उन्हें और क्लियरली बता पाएं कि हमारा कहने का मतलब क्या है। हमारा कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में जब आप तीन चार चीजें, हालांकि कहा जाता है आपको सब चीजों का ध्यान रखना है, आपको ग्लोबली भी देखना है, आपको डोमेस्टिक भी देखना है, आपको इन्फ्लेशन फिगर्स पर भी ध्यान देना है, लेकिन हमारे माइंड की लिमिटेशन है, डिस्ट्रैक्शन लगातार बाजार, इनफैक्ट या फिर कहें कि बाजार लगातार डिस्ट्रैक्शन से ही भरा हुआ है। बाजार क्योंकि ये बाजार ऐसा है, स्टॉक मार्केट, हमें इसकी सच्चाइयों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बाजार ऐसा है, इसका जो इसके ऊपर हर चीज का फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल हो वो फर्क पड़ेगा, फाइनेंशियल हो वो फर्क पड़ेगा, ग्लोबल हो वो फर्क पड़ेगा, कोई और कारण हो गया, ऑयल, क्रूड, गोल्ड, कोई लड़ाई हो गया, कोई कुछ हो गया, वॉर हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं बॉम्ब पड़ गया, मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसका फर्क स्टॉक मार्केट पे नहीं सब चीजों का पड़ता है, सब चीजों को डिस्काउंट करके चलती है मार्केट। रीजन क्या है, क्योंकि इस मार्केट में हर तरह की कंपनी काम कर रही है, किसी ना कोई कंपनी किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है और पूरी स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी से जुड़ी होती है। तो अगर हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो अच्छी या बुरी है तो स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आना जरूरी है। बिल्कुल, यानी अब हमारा कहने का मतलब यहाँ क्लियरली ये है, आपको हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी भरी हुई हैं, लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे पार पाया जाए, कैसे अपने अट्रैक्शन को, अपने फोकस एरिया को बढ़ाया जाए, अपने ध्यान को किस तरह से और केंद्रित किया जाए, इस पर चर्चा लगातार जारी है। सुनील मिंगलानी मेरे साथ बने हुए हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूलें अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप कोई क्वेरी, कोई सुझाव, कोई फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं।
स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप शेयर बाजार, क्योंकि मुनाफे से सीधा सीधा संबंध है, किस तरह से अपनी मुनाफा कमाने की क्षमता को, अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने फोकस को और कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सुनील से बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हमने एक ब्रेक ली, जब हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। क्या अब बात, हमने क्वेश्चंस बहुत सारे दे दिए व्यूअर्स को, उसका समाधान देने की भी बारी है कि क्या माइंड की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे वेज हैं जिससे हम अपने फोकस को बढ़ा सकें। पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। नहीं, बिल्कुल माइंड की एक्सरसाइजेज होती हैं, और मैं आपके जो देखने वाले उनको बोलना चाहता हूँ, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखने जाता हूँ किसी ना किसी के पास। मेडिटेशन है और बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रहे, नंबर वन। नंबर टू, हमने लास्ट भी बात की है, जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फोकस ना हटे किसी भी चीज से जी, तो आपको किसी ना किसी सिस्टम में बांधना होगा आपको। राइट, अगर मैंने अपने आप को एक सिस्टम में बांध रखा है और मैंने ये सोच रखा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम के हिसाब से काम करना है, तो मैं अपना फोकस हटने की जो संभावनाएं हैं उनको 80-90% तक हटा देता हूं। जी जी, क्योंकि मैं एक तरह से रॉबर्ट हो गया, मेरा काम है सिर्फ ट्रेड डालना, मेरा सिस्टम मुझे जो बोलेगा मैंने वही करना है, वो बोलेगा बाय तो मैं बाय, वो बोलेगा सेल तो मैंने सेल करना है, तो फिर कहाँ जगह रह जाती है समझ की। यानी छोटे छोटे लाइव एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलता है, उसको पता है कि एग्जाम से पहले उसका 10 बार मन करेगा कि शायद वो थोड़ी देर टीवी भी देख ले, थोड़ी देर इंटरनेट पे बैठ जाए, लेकिन अगर उसने अपने लिए एक सिस्टम स्ट्रिक्टली बना रखा है कि जब तक मेरे इतने चैप्टर्स फिनिश नहीं होते मैं इसके अलावा अपना टाइम यूटिलाइज कहीं और करूंगा ही नहीं। बिल्कुल, तो आपको स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही कुछ करना है। बिल्कुल, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, मान लीजिए खेल रहा है वो, उसको बॉल आता है, अच्छा बॉल नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस इस तरह का है और उसका सोच इस तरह का है, अपने आप को उसने ट्रेंड इस तरह के किया है कि मेरे को अगर जब बॉल लगेगी अपना हिट करने वाली, मैं तभी करूंगा, मैं फालतू बॉल को छेड़ूंगा नहीं, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी लेकिन वो होगा नहीं। तो शायद इसीलिए सुनील, जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली जो एक कोट है, वो उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस किस तरह से, अपने आप को ट्रेन किस तरह से कर लेते हैं, मैं माइंड को भी ट्रेन कर लेते हैं। बिल्कुल, और ट्रेडिंग करते वक्त जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान और रखना चाहिए। एक तो आप जब ट्रेड करें तो अपने आपके आसपास कोई ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अकेले बैठना चाहिए आपको जब भी आप ट्रेड करें, क्योंकि क्या होता है हमारा ना नॉइस जो होता है वो हमें बहुत परेशान करता है। और एक जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करें बात कम से कम करें, फोन कम से कम अटेंड करें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वहां से आपको पैसा आने वाला है, दूसरा आदमी क्या सलाह देगा आपको, उसको क्या पता है, आपका ब्रोकर बोलेगा, कोई और बोलेगा कि हाँ ये ले लीजिए वो ले लीजिए, अगर आपका चार्ट बोल रहा है, अगर आपको पहले से समझ है कि हाँ मुझे ये लेना है, किसी की बात मत सुनिए, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे। अगर सबको सब कुछ पता होता तो सारे करोड़पति बन गए होते आज यहाँ पे। जी, यानी ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से आप फोकस अपने बना रहे, क्योंकि हमारी हम ये डिस्कस कर चुके हैं सुनील, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी फिनोमिनल, हम इस चीज से बच नहीं सकते कि माइंड तो डाइवर्ट होगा, अटेंशन तो मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन अब आपको अपने अटेंशन को कैसे बनाए रखना है, 3-4 चीजें हैं जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट सुनील मिंगलानी बता रहे हैं कि वो भी इसे फॉलो करते हैं, कि कहीं ना कहीं आप यानी क्यों आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सबके साथ बैठ के ट्रेडिंग ना की जाए। देखिए होता क्या है, नॉइस जो है ना वो बहुत परेशान करती है। मान लीजिए एक स्टॉक है, मैंने लिया, टाटा मोटर है, कोई भी स्टॉक लिया मैंने बाय करके बैठा हूं और मुझे मालूम है कि हाँ ये लेवल आना चाहिए वो लेवल आना चाहिए, और तभी मेरे पास में एक फोन आ गया कि टाटा मोटर को डाउनग्रेड कर दिया गया, आपको पता है, आपको मालूम है इसका तो बहुत अच्छा न्यूज, जो अच्छा न्यूज नहीं लगा हुआ, ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या हुआ है, उस फोन के आने से कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली स्टॉक जैसा काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन आपका जो मेरा ध्यान हट गया। अब क्या होगा, अगर उस स्टॉक ने नॉर्मल करेक्शन के तौर पे भी 2-3 रुपए गिरा तो मुझे लगेगा वो आदमी सच बोल रहा था, उसकी बात हम हर बार मानने लग जाएगा, वो आदमी सच बोल रहा था और मैं अपना ट्रेड वहां स्क्वायर कर दूंगा। ये जो नॉइस है ना, ये नॉइस आपको कट करना है, ये मार्केट के अंदर आपको सारा दिन सुनने को मिलेगी कोई ना कोई बात, सब जानकार है क्योंकि यहाँ पर सब जानकार है। हाँ, आपको सलाह देने वाले यहाँ सब मिल जाएंगे, जिससे आप पूछेंगे बोलेंगे मैं बताता हूँ आपको क्या लेना है। तो इसलिए आप अपने को देखिए, आपका स्टॉक, आपका चार्ट, आपका डिसिप्लिन, आपका सिस्टम जो आपको बोल रहा है आप वो करिए, दूसरे की बात सुनिए मार्केट के बाद, उसको बोलिए सर बाद में फोन करिए अभी बिजी हूं मैं, कोई बात मत सुनिए किसी की, क्योंकि मार्केट के बीच में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं आपका ध्यान भटता है, आपका सही ट्रेड भी गलत हो जाएगा, आपका सही ट्रेड में भी आप पैसे नहीं बना पाएंगे सिर्फ इस वजह से
ऐसा नहीं है आपने उसकी बात मान ली, ऐसा नहीं है कि आपने उसकी बात मान ली लेकिन उसने आपका ध्यान भटका दिया। राइट, हो सकता है कभी कभार कोई हमें प्रॉफिटेबल टिप भी मिल जाए, कभी हमारे को नुकसान भी हो जाए, पर एक जनरल परसेप्शन है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा, उसमें अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने लिए जो सिस्टम बनाया उस पर ध्यान रखिए। तो कुछ ये रूल्स है, मेडिटेट करना भी एक रूल है, अपने ध्यान को वैसे भी, ये तो सिद्ध से सिद्ध लोग भी कह चुके हैं कि अगर आप सिर्फ अपने ध्यान को, अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिटेशन तो सबसे बढ़िया वे है करने का। और कोई और एक बात और, कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर मान लीजिए आज मैं हूँ ट्रेड करने के लिए आया हूँ आज के दिन मार्केट में, और मैं एक चीज़ सोच के आया हूँ कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है, ये स्टॉक सेल करना है, मार्केट के बीच में मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी। right. अगर मैं करना चाहता हूँ बाय तो करूँ, मुझे लगता है मेरे पैरामीटर पे नहीं उतर रहा है मैं छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाय करने वाले स्टॉक को मैं सेल करना शुरू कर दूँ। बहुत सारे लोग इसी वजह से लॉस खाते हैं एक्चुअली, वो सोच के कुछ आते हैं, मार्केट आके उनका दिमाग खराब कर देती है। मार्केट जब आप जितने लोगों से यहाँ बात करेंगे ना, जितने लोग देख रहे हैं वो जानते हैं एक्चुअली प्रियंका जी, मार्केट बंद होती है उनको सब कुछ समझ में आता है, ये लेना चाहिए था, वो बेचना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था ऐसा, लेकिन जब मार्केट शुरू होती है वो सब भूल जाते हैं। मार्केट का काम है ये, वो डिस्ट्रैक्ट करेगी आपका दिमाग। लॉजिकल बोल रहे हो, हमें एक दिन पहले लगता है, हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि हमने बहुत कुछ आज सीखा समझा, लेकिन अगले दिन हम फिर ब्लैंक होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट जब चलती है ना उसका एक सिस्टम है चलने का, आपका ध्यान हट जाता है वहां से। आप जो देखना चाहते हैं, आप एक स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, आपको ये लगता है वो सुबह खुलते ही सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए तो मैं इसे बाय करूंगा। अब आप उसे बाय करने के लिए जब जाते हैं वो सुबह खुलते ही सबसे पहले नीचे गिरता है 2%। अब उस समय क्या तो इसे हुआ क्या, आपका फोकस हट गया जी। अब वो स्टॉक नीचे गिर के जब ऊपर आएगा वापस, नॉर्मल करेक्शन करके वापस ऊपर आएगा, आप उसे लेंगे नहीं जी। आप उसे बल्कि 2 घंटे पहले बेच रहे होंगे उस स्टॉक को कि ये मैंने सोचा था, मैंने ये सोचा था बाय करना है लेकिन अभी ये तो नीचे गिरा, चलो इसको सेल कर दो जी। आपको मार्केट के बीच में अपनी स्ट्रेटेजी कभी नहीं बदलनी। यानी हम आपको, हम अपने व्यूअर्स को यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन हम इसलिए दे रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो कहता है दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। बिल्कुल, सोच समझ कर, ठोक बजा कर पहले अपने लिए एक सिस्टम बनाइए, जो भी आप सिस्टम मानते हैं, जो भी सिस्टम बनाइए। इवनिंग में जो एनालिसिस करनी है आपको, मार्केट बंद होने के बाद कीजिए, इवनिंग में कीजिए, और मॉर्निंग में सिर्फ उस पर अप्लाई कीजिए। नई एनालिसिस मत कीजिए मॉर्निंग में, क्योंकि उस समय आप खुद नहीं कर रहे हैं वो एनालिसिस आपसे मार्केट करवा रही है जी। आप नहीं कर रहे हैं वो डिसीजन, वो मार्केट आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो आपका ध्यान हटा रही है, वो जो कह रही है आप कर रहे हैं। इसलिए कोई भी नया डिसीजन उस समय मत लीजिए, रात को डिसीजन लीजिए, शाम को डिसीजन लीजिए, और उसे पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए। फोकस आपका तभी बना रहेगा जब आपके पास लिखा हुआ है कि मुझे ये करना है, अगर ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा। मार्केट के बीच में अपना डिसीजन चेंज मत करिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत वैल्यूएबल ये टिप्स हैं, क्योंकि ये सारी कोशिश हमारे 2 एपिसोड में आपको समझाने की इसलिए थी। बात हम ये पहले भी कह चुके हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, बट हमारी कोशिश यहाँ पर एक ब्रॉडर पिक्चर रखने की थी व्यूअर के सामने कि ये जो सिनेरियोज आपके साथ होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप भी, ये हर एक के साथ होता है, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल, वेरी फिनोमिनल, बट यू आर द वन हु हैज टू क्रिएट और डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आपको अपने लिए खुद अपना पाथ बनाना होगा, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं और उसे अमल करें, उस पर फॉलो करें। उसके बीच में डिस्ट्रैक्ट 10 बार हो सकते हैं, 10 बार हो सकते हैं। एक बात लास्ट में, एक बात बहुत जरूरी और बोलना चाहता हूं मैं यहां पे। कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग करते हुए हम काम करते हैं, कोई भी आदमी काम करता है ट्रेडर, उसको सुबह लॉस हो जाता है। उसको अब क्या हुआ है, उसको लॉस हो गया 2-4-5 हजार का जो भी है, उसको लॉस हुआ, उसके बाद उसका दिमाग हट जाता है। अब वो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रहता है। जितने व्यूअर आपके देख रहे हैं, 1% भी आदमी ऐसे नहीं होंगे जो कि ये जानते ना हो। जिस दिन आपका मॉर्निंग में आपने काम करना शुरू किया, ट्रेडिंग करना शुरू किया, इंट्राडे करें, कुछ भी करें, आप काम करना शुरू करते हैं, आपका लॉस होता है, आप उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उससे ट्रिपल लॉस पे बंद करते हैं। राइट इसलिए सबसे बड़ा रूल ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग में लॉस हुआ है, इट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं प्रॉब्लम है, उस दिन हट जाइए, काम मत कीजिए उस दिन। राइट, क्योंकि वो दिन एक तो ठीक नहीं है, दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, उस दिन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे फिर आएगा, फिर काम कीजिए, अपॉर्चुनिटीज यहाँ रोज मिलती है। राइट, इनफैक्ट ये हम बात भी कर चुके, यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी डे, रोज आपको ट्रेड डालने की जरूरत यहाँ नहीं है, नुकसान करके निकलेंगे, बेकार में ब्रोकरेज भी कट जाएगी। चलिए, उम्मीद हमारी यही रहेगी कि हमारे व्यूअर्स इस कॉन्सेप्ट को, इस ब्रॉडर पिक्चर को, हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी टेक्निकलिटीज में हम नहीं जा रहे, जो हमारे मतलब की चीज़ है वो ये है कि हमें अपने ध्यान को बनाए रखना है, और उसका सिंपल वे है, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करिए।
शुक्रिया सुनील शो में आने के लिए, इस इतनी वैल्यूबल टिप्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। और अब उम्मीद यही रहेगी कि व्यूवर्स इसे बहुत ध्यान से सोचेंगे और अब इसे अमल भी करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नए और अनप्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।